हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस या एसक्यूएल के अंदर ध्यान दीजिएगा, सेम जो तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ही आपको माई एसक्यूएल के अंदर भी इस्तेमाल करना है। ये ध्यान दीजिएगा, जो तरीका मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ वही आप एसक्यूएल के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे हम इनर ज्वाइन का यूज कर पाएंगे, काफी कल भी कंफ्यूजन थी जब मैं पढ़ा रहा था तो, और जो है ये कंफ्यूजन अब क्लियर हो जाएगी। देखिए ये यहाँ पर दो टेबल्स बनाई गई हैं। अब एक टेबल लोन नाम से है, देख सकते हैं इसमें आपको लोन नंबर दिखेगा, फिर ब्रांच का नेम दिखेगा और फिर यहाँ पर अमाउंट दिखेगा कि कितना लोन का अमाउंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगला लोन नंबर है, फिर ये ब्रांच का नेम है, तो अलग अलग ब्रांचेस के नेम भी हैं। और ये लोन नंबर जो है इसे हमने क्या बनाया है, इसे प्राइमरी की बनाया है। जब हम इसे ये करेंगे तो देखिए ये प्राइमरी की है लोन नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा टेबल है बारोवर का, इसमें हमने कोई प्राइमरी की रखा ही नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई प्राइमरी की हमने नहीं रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कस्टमर नेम है और लोन नंबर तो वही है, क्योंकि एक फील्ड तो कॉमन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लोन नंबर प्राइमरी की नहीं है, ये फॉरेन की है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसे प्राइमरी की नहीं बनाया है, यानी इस वाले टेबल में तो कोई प्राइमरी की ही नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमने किया है और डेटा टाइप्स वगैरह भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी क्या करना है, कैसे ये रिलेशनशिप क्रिएट होगी, तो हमें क्या करना है, क्रिएट पे चलना है। ये जो क्रिएट ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हमें सीधे सीधे चले जाना है और यहाँ पर जाकर के क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेरी डिजाइन। तो यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे चले चलिएगा और यहाँ से एसक्यूएल पे आ जाइएगा। अब हमको यहाँ पर थोड़ी सी कोडिंग कर रही है जिससे कि हमारा ये क्वेरी चले, और जो हम चाहते हैं कि ये इनर ज्वाइन हो जाए तो ये दोनों ही टेबल इनर ज्वाइन से रिलेट हो जाए, ठीक है, रिलेशनशिप दोनों में क्रिएट हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, इस तरीके से सेलेक्ट लिखेंगे, फिर गैप देंगे। अब चूंकि हमारा जो है टेबल वो लोन के नाम से है, तो यहाँ लिखेंगे LON लोन, पहला टेबल तो लोन ही के नाम से, ये लोन वाला टेबल आपको दिख रहा होगा, तो लोन लिख दिया हमने। और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे लोन नंबर, डॉट लगा के लोन नंबर लिखेंगे, तो सेलेक्ट लोन डॉट LON लोन नंबर, जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। अब जैसे लोन नंबर हमारे में कैसे लिखा गया, देखिए यहाँ पे लोन नंबर जो आया है तो अंडरस्कोर लगा के लिखा गया है, तो वैसे ही हमको भी लिखना है। अगर आप गलती करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंडरस्कोर लगाइए, लोन नंबर हो गया ये, ठीक है। लोन नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप लोन नंबर लिखते हैं तो फिर आगे आपको कॉमा लगाना है, और कॉमा लगा करके ब्रांच भी देना है, तो यहाँ पे BRANCH ब्रांच दे दिया, फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा करके, चूंकि हमें सेकेंड वाले टेबल से, आप देखिए ये लोन वाले टेबल में तो आपको कस्टमर नेम नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सेकेंड वाले टेबल से हमें चाहिए क्या, हमें कस्टमर नेम चाहिए, ठीक है, तो कस्टमर नेम ले लेंगे। अगर और भी कोई फील्ड आपने ले रखा है तो उसको भी ले सकते हैं, तो फिलहाल हम तो कस्टमर नेम ही लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कस्टमर नेम CUSTOMER कस्टमर अंडरस्कोर NAME नेम। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कस्टमर नेम हमने लिखा कैसे है, तो N कैपिटल है, तो जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमर नेम, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पर अब यूज करना है इनर ज्वाइन को, ठीक है। तो इसमें हम और भी चीजें कर लेते हैं, इसमें हम यहाँ पर अमाउंट भी ले लेते हैं, यहाँ देखिए ये पहले वाले टेबल में अमाउंट भी दिया गया है, तो इसको भी ले लेते हैं, तो कॉमा देकर के यहाँ अमाउंट भी कर देते हैं AMOUNT, और देन अब हमें इनर ज्वाइन इसको कराना है, तो यहाँ पर पहले तो देंगे कि ये सारी चीजें फ्रॉम लोन नाम के टेबल से आएंगी, तो LON लोन, और चूंकि इनर ज्वाइन हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा रहेगा ही, तो ये कस्टमर नेम इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, INNER इनर JOIN ज्वाइन, इनर ज्वाइन लिखने के बाद हमें यहाँ पर उस टेबल का नाम देना है जिसको कि हम ज्वाइन करवा रहे हैं, तो BORROWER बारोवर नाम का टेबल है, देखिए ये बारोवर वाली टेबल है, इसी को हम ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे ON ON ON, और यहाँ पे लोन नाम के टेबल से इसे ज्वाइन करवाया जा रहा है, और डॉट लोन नंबर से इसे ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। तो लोन अंडरस्कोर नंबर जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा, लोन नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे BORROWER बारोवर लिख दिया, और यहाँ पे लगाएंगे डॉट LON लोन, लोन हो गया, और अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, अंडरस्कोर NO नंबर हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे टर्मिनेशन दे दीजिए, आपका जो रिलेशनशिप है, जो
इनर ज्वाइन है वो सक्सेसफुली एक्सिक्यूट भी हो जाएगा। अब कैसे होगा उसको देखने के लिए पहले इन दोनों टेबल्स को ऑफ कर देते हैं। अगर आप एसक्यूएल यूज करेंगे तो इस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, सीधा सीधा आप कमांड लाइन पे जाके काम कर सकते हैं या आप वर्कबेंच पे भी जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहां से इसको रन करवाने की बारी है, तो यहां क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको रन करवा देते हैं। और रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर न सिर्फ लोन नंबर आ रहा है, ब्रांच भी आ रहा है, कस्टमर नेम भी आ रहा है, जबकि आपको पता है कि कस्टमर नेम किसका है, बारोअर वाले टेबल में है। देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम बारोअर वाले टेबल में है और यहाँ पे लोन में ये नहीं है, तो लोन में जो है वो तो दिख ही रहा है, बारोअर वाले टेबल से भी चीजें आई हैं जो कि इसके अंदर आ गई है। देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर नेम भी आपको दे रहा है, तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर क्यू के नाम से इसे सेव कर देता हूँ क्वेरी। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और इससे आपका काम जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।